गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टूसएल क्लासेज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडवर्ब और इसके टाइप्स के बारे में ठीक है एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रियावशेषण भी कहते हैं एंड एडवर्ब एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब तो वर्ब जो होता है हमारा एक्शन वर्ड एडवर्ब उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ये बताता है कि कोई भी एक्शन कोई भी वर्क कैसे हुआ कहा हुआ कब हुआ ठीक है इनफैक्ट इट टेल्स अबाउट द टाइम वे एंड प्लेस ऑफ एनी एक्शन फॉर एग्जांपल टाइम टुडे यस्टरडे नाउ लेटर हाउ कैसे हुआ वेल क्विकली ब्यूटिफुल्ली क्वाइटली वेयर कहा हुआ यर देअर एवरी ठीक है अब हम एग्जाम्पल देखते हैं विक्की प्लेड फुटबॉल यस्टरडे विक्की प्लेड फुटबॉल वेल विक्की प्लेड फुटबॉल आउटसाइड यहाँ हम देखते हैं कि हमारा वर्ब है प्ले और प्ले को तीन अलग एडवर्ब उसके बारे में बता रहा है फर्स्ट है यस्टरडे जो बता रहा है कि विक्की ने कब खेला ठीक है सेकेंड में हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस में हमारा एडवर्ब है वेल ठीक है वो बता रहा है कि विक्की ने कैसे खेला और थर्ड स्टेटमेंट में आउटसाइड ये बता रहा है कि विक्की ने कहा खेला तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि एक्शन कहाँ हुआ कब हुआ और कैसे हुआ कैसे को हम एडवर्ब ऑफ मैनर भी बोलते हैं ठीक है का एक और फंक्शन है यह एड्जेक्टिव के बारे में बताता है कि कितना ठीक है टू वॉट एक्सटेंट मीन्स कितना रिया इज ब्यूटीफुल ठीक है यहाँ ब्यूटीफुल है एड्जेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है रिया को अब यहाँ हम देखते हैं रिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है और बता रहा है कि रिया कितनी सुंदर है बहुत ज्यादा सुंदर है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा ये डिग्री है एक्सटेंड कि कितना ज्यादा है कम है या ज्यादा है तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ad, को भी एडवर्ब डिस्क्राइब करता है एंड एडवर्ब एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर एडवर्ब इसका थर्ड फंक्शन ये है कि एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब के डिग्री के बारे में बताता है कि कितना ठीक है मैम एक्सप्लेनड नाइसली अब देखते हैं यहाँ नाइसली जो है एडवर्व ऑफ मैनर है अब यहाँ दे सेकेंड स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि मैम एक्सप्लेन वेरी नाइसली यहाँ वेरी जो है एडवर्व ऑफ डिग्री है और यहाँ बता रहे हैं कि उसने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्व का जो फंक्शन है वो बहुत है ये एडवर्व को भी डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को भी और वर्ब को भी ये डिस्क्राइब करता है नॉर्मली हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके एडवर्ब बना लेते हैं फॉर एग्जांपल लाउड में हम लगाएंगे एल वाई तो हो जाएगा लाउडली वाइज में लगाएंगे एल वाई तो हो जाएगा वाइजली केयरफुल में हम लगाएंगे एल वाई हो तो हो जाएगा केयरफुली तो चलिए हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ठीक है ये नॉर्मली बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ फ्रीक्वेंसी एडवर्व टेल्स हाउ ऑफन वी डू द एक्शन एक्शन को हम कितनी बार करते हैं चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं जीरो परसेंट के लिए हम यूज करते हैं नेवर फाइव परसेंट के लिए रेयरली फिफ्टी परसेंट के लिए यूज करते हैं समटाइम्स नाइनटी परसेंट के लिए यूज करते हैं यूजली और हंड्रेड परसेंट के लिए यूज करते हैं ऑलवेज तो दीज आर एडवर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल देखते हैं आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी आई रेयरली ड्रिंक कॉफी आई नेवर ड्रिंक कॉफी एक और एग्जाम्पल देखते हैं द कॉफी इज ऑलवेज हॉट द कॉफी इज यूजली हॉट द कॉफी इज समाइम्स हॉट द कॉफी इज ने हॉट तो इस तरह से हम देखते हैं एक चीज जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि नॉर्मली एडवर्ब जो है एडवर्ब फ्रिक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आता है जैसे ड्रिंक मेन वर्ब है तो उसके जस्ट पहले ऑलवेज आया है लेकिन जब बी वर्ब होता है लाइक इज एम आर वाज वर्ब, बी वर्ब के जस्ट बाद में आया है ये तो बी वर्ब के ये बाद में आता है और मेन वर्ब के ये पहले आता है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल क्लासेस। थैंक यू